से चले आओ। पानी में ऊपर जाने का क्या मतलब है, ऊपर क्यों जाते हैं आदमी, ऊपर जाने का कुछ रास्ता है क्या? वही उसी को बता रहे हैं कि पानी में पड़ना पड़े लोगों का, गुफा में जाएंगे दर्शन करेंगे। गुफा जाने का है अंदर रास्ता? अरे लोहे वाला नहीं लगा है बाबा, सोचो थोड़ा हुए ऐसे आगे ज्यादा जाए के अंदर। अरे नहीं, अंदर जाने का नहीं है, जो है वो नहीं है। ऐसे टहलने पर बता नहीं कितना रास्ता है, क्या पता है, बहुत गुफा में रास्ता है। तो कहा हो गया तो आज तबियत कैसा गड़बड़ है? प्रभु का खेल है, अब हम दम बंद कैला के नहीं, दम क्या बंद हो, दम बंद हो जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा? ये महाराज जी एक माने हम लोगों के साथ चले, पांच दिन दर्शन यात्रा में भी साथ में चले, माने एक आध किलो गांजा जो है पी गए, खाने के नाम पर कुछ नहीं। अब बार बार समझाया जाए लेकिन ये अब सिद्ध हो चुके हैं और परम सिद्ध हो चुके हैं, अब किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे तो आपकी बात मानने के लिए तैयार होंगे, संत बने महंत बने जगत गुरु है, अब ऐसे आदमी अब आपका ही बात मानेंगे तो कैसे कल्याण होगा? डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं उसकी बात नहीं मान रहे हैं, अनपढ़ के यहाँ, व्यभिचारी के यहाँ, लूटपाट करने वाले के यहाँ, वो पैसे के लिए वो डॉक्टर ये करता है, वो समाज सेवा तो करता नहीं है। शहरों में सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे डॉक्टरों की मिलेंगी, सबसे अधिक किडनी लीवर आँख हाथ सब बेचेंगे निकाल करके अंग प्रत्यंग, वही बड़का बड़का डॉक्टर, उनकी बात मानेंगे? ये दूसरे को खुदा जीवन यहाँ है कैसन रोगी आओ ठीक हो जाए, यहाँ पत्ता देकर सबके ठीक कर दें, लेकिन यही देखिए न बात मानने के कारण स्वयं पत्ता है। महात्मा एकदम छोड़ दीजिए और काढ़ा केवल पीजिए, आपको कुछ नहीं हुआ है महाराज, आप एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हमको हो गया है? नहीं, आप नहीं कह रहे हैं, आप कहाँ कहेंगे, आप नहीं कहेंगे लेकिन लोग कह रहे हैं ना, लोग गड़बड़ कह रहे हैं, ये सब तो कह रहे हैं। लोग का बात मानने का क्या जरूरत है, अपने काम का जरूरत है, लोक में है तो लोक की बात तो मानना पड़ता है, ये वो सब ठगवा दो तो वाला बात है कुछ भी, लेकिन लोक में ही है ना, सब लोग सबका इंतजार, जब सब सोचता तो किसी को दुख नहीं होता, अब वो समझने वाला कोई वो दुख हो भाई करेगा, दुख नहीं होगा तो सुख का आभास नहीं होगा, दुख पानी पिलाओ भाई, चढ़ा दिया है ना दीजिए, हमेशा जलता रहता है। हाँ, ये धुना हमेशा यहाँ चलेगा। हे गुरुदेव, कब से जल रहा है ये? अखंड जल रहा है, अखंड धुना है ये कब से जल रहा है महाराज जी? 50 साल हो गए, 50 साल से धुना है, और उसके पहले भी रहा होगा तो कौन जानता है। अरे भाई बहुत सत महात्मा रह रहे थे बाबा जी, आप श्री रूपनाथ जी हैं, और यहाँ जब अरे हम कोई बाबा वाबा नहीं है, हमारे सब कोई है, परिवार है, बच्चे है। अरे तो हम लोग भी तो आप ही बच्चे ही हैं, परिवार तो आपका सभी है। हाँ जी, उसी के माया में तो सब फंस करके ये सब भोग ले रहा है। अगर साधु है, अगर आशीर्वाद दिया, अगर उसका काम नहीं हुआ तो कहेगा बाबा तो हमारा काम नहीं किया, तो उसका साधु का दोनों का बात बाधा में फंसेगा। तो इसलिए तीसरे में भगवान होते हैं,
तो भगवान खड़ा होते हैं कि इसका काम कर दो। जैसे ऐसे तब सब भोगदंड सब मादाचारी वरी से ले बा ऐसे बिड़ई ले कितने चाहले बच्चा दे सुख में मजा है कि दुख में मजा। आप लोग नारायण यही गांव के हैं कि बाहर के? नहीं यही गांव है। हाँ गांव के हैं। बाहर के हैं आप? अच्छा ये हम लोग बाहर के। कितना किलोमीटर घर है आप लोग? अरे किला से ये धर्मदासपुर है हम लोग गाँव 20 किलोमीटर होगा यहाँ। 20 किलोमीटर। ये यहाँ का हमारे गुप्त काशी का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ पर अगर कोई शराब पी करके आ जाए कोई मुर्दा मांस करके आ जाए तो वो यहाँ से तो जा सकता है लेकिन घर तक वो सुरक्षित नहीं जाता है। ऐसे 100 कहानियां तो हम लोगों ने अपने प्रत्यक्ष उसका। फिर भी आँख हमारी तो नहीं खुल रही है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं फिर भी। नहीं तो हम लोग यहाँ थोड़ी कभी वो तरह के हम लोगों का काम नहीं। हम लोग तो यहाँ मना करते हैं किसी को जो संगी। पहली बात तो अगर संत हैं तो संत के लिए तो कोई बात नहीं जी। अभी छोटे छोटे बच्चे गांजा पियेंगे क्या तुम सोच रहे हो? उनकी जिंदगी बर्बाद होगी बेचारी, कहीं फेफड़ा खत्म हो गया, कहीं वो हो गया, कहीं ये हो गया, किडनी खराब हो गई जी। तो क्या तुम सोच रहे हो कि इनका श्राप किसको लगेगा? संत को लगेगा जी, क्योंकि संत मतलब गुरु होता है। हाँ हाँ। तो वो प्राचीन गुरु को भोगना पड़ता है, जिससे गुरु की तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, सड़ रहा है, मर रहा है, तड़प रहा है, ये सारा जो है। क्योंकि ये जाएंगे अपने परिवार में, परिवार में कुछ काम धंधा करेंगे नहीं, गांजा की आदत पड़ गई है, जहाँ रहेंगे पी के एकदम शुद्ध सुस्त हो जाएंगे, मेहनत होगा नहीं। तो उसकी जो आ है बच्चों का, पत्नी का, माँ बाप का, भाई का, सबका तो एक इच्छा होता है ना, वो पूर्ति नहीं होगी। तो वहां जब झगड़ा होगा तो वो सारा प्राश्चित कौन भोगता है? पिलाने वाला, शराब बनाने वाला उतना ही पापी, बेचने वाला उतना ही पापी, फिर पीने वाला भी। उसी प्रकार से गांजा भी होता है। गांजा की नशा ऐसी होती कि पी लो तो एकदम वो हो जाते हो। तो अब परिवार भटकेगा हमारा, क्योंकि परिवार संत का परिवार सभी होते हैं, कोई जात पात नहीं होती संत का। ये जीवन में ध्यान रखने का, संत का कोई जात नहीं है, वो सिर्फ संत है और उसके लिए सब है। तो उसका फर्ज क्या बनता है? जैसे हम तो गांजा पीते हैं लेकिन हम आश्रम में पीते हैं और व्यक्तिगत पीते हैं, मैं किसी को पिलाता नहीं हूं। एक भी व्यक्ति कोई से नहीं पीता। तो ये सब पर बहुत जरूरी है। हाँ कोई संत आ गया चलो ठीक है, वो भी अंदर पी लिए, किसी को जानकारी नहीं हुआ। और प्रचार अगर हम करेंगे तो इसका तो परिणाम हम ही को भोगना है ना, क्योंकि किसी का घर मैं बर्बाद करूंगा तो मेरा घर आबाद होने वाला नहीं है। जो बोगे वही काटोगे, गेहूं बोगे तो उसमें चने नहीं कटेंगे। इसलिए भगवान आप लोग अभी तो संत हैं, अब आप लोग अगर पियोगे घर संसार बर्बाद होगा, परिवार बर्बाद होगा और लास्ट में शरीर बर्बाद होगी। फिर 2-5 बीघा जो जमीन जायदाद है वो बेच के हॉस्पिटल में ले जाके जा देना पड़ेगा, फिर भी ठीक नहीं होना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर उठो, बहुत जरूरी है। अपना परिवार चलाओ, जीवन को चलाओ और समय मिले तो जीवात्मा के कल्याण के लिए प्रत्येक प्राणी आया है, भजन करो, सत्कर्म करो, सत्संग करो, माता पिता का चरणों का अनुरागी बनो। आज अगर तुम माता पिता का आज्ञा का पालन करोगे कल तुम्हारा भी पुत्र करेगा। आज हम माता पिता का अनादर करेंगे तो छोटा सा लड़का देखेगा कल हमारा अनादर करेगा। इसलिए इस पर बहुत विशेष तरह आप लोग, नई पीढ़ी हो, ये नशे में ज्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं, 2 प्रांतों में कि नशा एकदम, युवा पीढ़ी जो है नशे में एकदम लिप्त होती चली जा रही है, अपने स्वरूप को, अपने सिद्धांत को, अपने उससे विचलित होता चला जा रहा है और पतन की ओर जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है। अब ये तो संत भगवान का काम है कि ये डांट के आप लोग को करें, लेकिन अगर साथ ही में तुम्हारे गांजा पियेंगे और पिलाएंगे तो क्या महत्व रह जाएगा संतता का? ये बहुत जरूरी है, इसलिए इस पे बहुत विशेष तरह आप लोग ध्यान रखो। ठीक है पी रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है तो 150 ले आके दे दिए अपना पी लिए, लेकिन आपका फर्ज नहीं बनता है कि साथ में गांजा पी। कहना होता है
मैंने नाव बताओ नौजवान आदमी ललकार के बोला रिशु कहाँ घर पर धनदासपुर शादी ब्याह हो गया शादी कहाँ करना है संत बने के है हमारे साथ चलो अगर किसी को संत बनना हो तो तब वहाँ जम ढूंढ रहे हैं ऐसा कि कोई मिल जाए हम एकदम बंद कहता बच्चा अरे कभी कभी मंदिर अरे मौसी कभी कभी वाले में ही तो सिस्टम खराब है कभी कभी रोज हो जाला क्या महाराज जी पहले एक परिवार वाले आदमी हम लोग और इतना गैर जिम्मेदार नहीं भाई महाराज जी कंटिन्यू वाले बाद अरे बेटा ये आदत पड़ जाती है इतनी खराब गंदी आदत हम आज जी जी आज करीब 55 साल की उम्र हो गई इसी में तो हम वजह हैं जो आज साले घर दुआर छोड़ के आज भटक रहे हैं बिगर गांजा का मेरा चलता नहीं पहले तो धीरे धीरे संतों के साथ रह के थोड़ा थोड़ा लिए उसके बाद ज्यादा हो गए अब आज देख रहे भटक रहे अब मेरी मजबूरी है कि अब धोबी का कुत्ता साला का न घर का न घाट उधर से भी गए और संतता में भी कुछ नहीं मिल रहा है भटक रहे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भटको मत ये कभी कभी वाला सिस्टम बहुत खराब होता है परित्याग कर दो कि हमारे लिए जा रहे कल तुम पी रहे हो लोग तो कहेंगे साला गंजेड़ी है भले दिन भर में एक ही लो या हफ्ते में एक दिन लो लेकिन लोग तो कहेंगे एक ना गंजेड़ी है जिससे हम देख लिए आपको जी। हम तो रोज तो देखे नहीं लेकिन आज देख लिए तो आपको हम देखेंगे तब कहेंगे कि नहीं ये गंजेड़ी है इसलिए बेटा ये सब ठीक नहीं है ना तुम्हारे लिए अब आज जो है बनाओ और महाराज जी को पवाओ बढ़िया हाँ और इनका चरण दबाओ सेवा करो वो सब जरूरी है अच्छा महाराज जी इस दास के ऊपर कृपा करते रहिएगा फिर आएंगे दर्शन करेंगे आपका भोलेनाथ करेंगे वही तो भोलेनाथ बनाकर घुमा रहे हैं और कौन करने वाला है तब वही नहीं नहीं इसीलिए हम कह रहे हैं और आप लोग भी भगवान आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि नशा मुक्त हो जी वाला है और बहुत जरूरी है बेटा घर संसार चलाना है आप लोग को अभी नई पीढ़ी हो आप लोग की हमको जरूरत है हाँ अब देखो तबीयत बेचारे इनकी खराब है अब जो बच्चे हैं सब परेशान इनके वजह से होंगे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा हाँ लेकिन अभी इनका ये संत में प्रवेश कर गए अब इनका छोड़िए अब आप लोग को बहुत जरूरी है आज जो बनाए हो इसको ले आओ हमको दो हम पियेंगे तुम लोग का जो बनाए लाओ कहाँ है तुरंत ले आओ गुरुदेव को चलो ले आओ कहाँ बनाओ ना है माल ले आओ जल्दी फटाफट देर मत करो अब महाराज जी की शीला में डाल दो चलो यहाँ और संकल्प करो तुम लोग की आवाज के बाद से छूना नहीं आइए हरे हरे महादेव बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय तो वहाँ चीलम में लगता अच्छा तुम ये लेकर ना कुछ ननी बुद्धि आगे बढ़ा यही मैं बा गैया भैंसी आ गई